हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 3D शेप्स के बारे में। देखिए बच्चों, हमारे संसार में जो भी इधर उधर देखते हैं आसपास, बहुत सी चीज़ें जो 3D की तरह हमें नजर आते हैं, या 3D मतलब उभरा हुआ। देखिए मैं आपको फिगर बना रहा हूँ, लगेगा कि यह फिगर आपकी ओर उभरा हुआ है, यह बल्कि कुछ नहीं बल्कि ऐसा ही 3D में हमें फील हो रहा है। देखिए बच्चों, एक जो क्यूब बना, क्या कहते हैं इसको, क्यूब कहते हैं। तो यह जैसा लग रहा है कि हमारे ओर उभरा हुआ है। इसी तरह हम सभी फिगर का 3D एनालिसिस करेंगे। कुछ ऐसे फिगर इम्पोर्टेंट फिगर हैं, उसको बारे में आप लोगों को पता रहना चाहिए कि कौन सा फिगर है और कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए देखिए बच्चों, सिंपल ट्रिक है, आपको केवल 2 ठो स्क्वायर बनाना है। 2 स्क्वायर बना लीजिए आप लोग। इधर थोड़ा सा नहीं अच्छा बन रहा है, आप लोग बनाएंगे पेन से तो बहुत अच्छा बनेगा। देखिए फिर मिलाने, फिर सबको ऐसे इसे मिला दें तो क्या बन जाएगा, क्यूब। क्यूब की खासियत होगी कि इसके चारों जो साइड्स होंगी सब बराबर होंगी। बराबर का सिंबल जानते हैं बच्चों कैसे होता है, ऐसे से कर देंगे तो इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। उसी प्रकार हम अगला फिगर लेते हैं, क्या, क्यूबाइट। क्यूबाइट कैसे बनाते हैं बच्चों, क्यूबाइट में 2 रेक्टेंगल होता है, 2 रेक्टेंगल को ऐड करते हैं। कैसे रेक्टेंगल बनता है उसके बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे। रेक्टेंगल जो कैसा होता है फिगर, 1D होता है, एक तरह से 1 डायमेंशन होता है। लेकिन जो ये बनेगा 3D, मतलब जो क्यूबाइड होगा क्या बच्चों, क्यूबाइड। तो क्यूबाइड कैसा होता है, ये 3D होता है ना बच्चों। ठीक है, क्यूबाइड कैसे बनाते हैं, उसी तरह बनाएंगे, लेकिन इसमें उसमें हम स्क्वायर का यूज़ करते हैं। इसमें किसका यूज़ करेंगे, हाँ बच्चों, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल से अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्यूबाइड। 2 रेक्टेंगल को आप मिला दीजिए तो आपको ये क्यूबाइड बन जाता है। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में हम एक और 3D फिगर देखते हैं, क्या है, कोन। कोन कैसे बनता है, ऐसे करके, ऐसे करके इस एक ठो सॉरी रेक्टेंगल बना देंगे, सॉरी ट्रेंगल बना देंगे, उसमें एक कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये भी कोन हो जाएगा। ठीक है, कोन मतलब आइसक्रीम। देखिए बच्चों, एकदम सेम टू सेम आइसक्रीम की तरह आपका ये कोन बन जाता है। ठीक है, उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और हम बनाते हैं सिलेंडर। सिलेंडर भी एक ऐसा फिगर होता है। अभी मैं बच्चों इसके बारे में पूरा डीप बताऊंगा। सिलेंडर कैसे बनाते हैं, सर्कल बना दीजिए, ऐसे ऐसे करके सिलेंडर, जो आपको घर में जो सिलेंडर आता है उसी प्रकार का सिलेंडर ये बन चुका है। यह जो है क्या है, 3D, 3D फिगर। कौन सा फिगर बच्चों, 3D, यह 3 डायमेंशन में। ठीक है, तो मैं सिलेंडर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अपनी कापी पर भी नोट कर सकते हैं, कापी आप लोग लेकर बैठा करिए ताकि जो जो मैं बताऊँ सब आप लोग लिख सकें। देखिए अब पिरामिड हम बनाना है, तो पिरामिड बनाना बहुत आसान है, ऐसे कर लीजिए, एक रेक्टेंगल बना लीजिए, एक ऐसे पाई खींच लीजिए, फिर ऐसे लाइन, क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ ये आपका हो जाएगा पिरामिड। तो चलिए आज हम इसके बारे में कुछ और इसकी प्रॉपर्टी बताते हैं। इसका फेस और लेंथ और ब्रेथ क्या होता है, फेस क्या होता है, जो सामने आपको दिखेगा बच्चों ने वही फेस होगा ये। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे फोटो लिया है, उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा क्या नंबर ऑफ फेस, कितना फेस मैंने बच्चों आप लोग बता दिया था कि फेस क्या होता है, जो आपके बच्चों सामने लौकेगा, मतलब सामने जो दिखा था वही आपका फेस होगा। एज क्या होता है, एज मतलब जो उसकी लाइन होती है। वर्टिस क्या होता है, कोना। वर्टिस सिंपली कोना, जितना आपको कोना दिखेगा वही कोना हो जाता है। देखिए अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं, देखिए क्यूब, क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6, और वर्टिसेस कितने होते हैं, 8, और एज कितने होते, 12। आप लोगों को एक तरह से ही याद रखना ही पड़ेगा। और बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, क्यूबाइड जो होता है उसमें कितने होते हैं, 6। क्यूब और क्यूबाइड दोनों में सेम फेस होते हैं और सेम वर्टेक्स होता है और सेम एज होती है, क्योंकि दोनों उसी से बनते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए ट्रेंगुलर पिरामिड जो होता है वही पिरामिड की तरह होता है। पिरामिड में 4 फेस होते हैं, 4 वर्टेक्स और 6 एज होती है। ठीक है, उसी तरह राइट एंगुलर पिरामिड, राइट एंगुलर पिरामिड में कुछ होता नहीं बच्चों, वो बेसिकली 90 डिग्री अगर बेस पर बनेगा तो वही क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रेंगुलर हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर प्रिज्म क्या होता है, अगर देखिए इसका बेस जो है अगर स्क्वायर हो जाए तब क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है बच्चों, तो हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं। और वो है तो पिरामिड, पिरामिड तो होता वही 5 उसका फेस होगा, 5 वर्टिसेस होगी और 8 उसका एज होगा, यानी एज उसके जो लाइन होगी साइड की वो कितनी होगी, 8 होगी। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, तो समझ में आ गया बच्चों। यह जो टेबल है आप लोग अपनी कापी पर भी उतार लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए और एक हमें एक तो और होता है, एक फार्मूला होता है यूलर फार्मूला, इसका यूज हम लोग करते हैं
ताकि बता सके कि कितना फेस है। अगर मान लीजिए कहीं पर आपको फेस और वर्टिसेस दे दे और फेस वर्टिसेस दे दे और आप लोगों से एज पूछ दे, तो हम यूलर फार्मूला का यूज करते हैं। यूलर फार्मूला क्या होता है बच्चों? हाँ, f(b) + (b) = मतलब फेस और वर्टिस को जोड़कर एज में से घटाने पर हमेशा 2 ही आता है। जैसे अब इसमें देख लीजिए, पहले में फेस वर्टिस जोड़ दीजिए, कितना हो जाए 8, 6, 14 हो गया, और उसमें से 12 माइनस कर दिए, 12 इसका एज है तो 2 आ रहा है ना, इसीलिए यह फार्मूला हमेशा ही वैलिड होगा। तो बच्चों आशा करता हूँ आप समझ आ गया होगा। बच्चे इसमें मेहनत भी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में।